भगवान कभी ना स्वर्ग बनाता है ना नर्क बनाता है। स्वर्ग और नर्क की रचना मनुष्य स्वयं करता है। जब मनुष्य के हाथों से पाप होने लगता है, जब मनुष्य छल कपट करने लगता है, जब मनुष्य बहुत क्रोध करने लगता है, जब मनुष्य की सहनशीलता टूट जाती है, जब मनुष्य के अंदर गुस्सा बहुत आती है, जब मनुष्य लोभी हो जाता है, लालची हो जाता है, कपटी हो जाता है, तो मनुष्य के द्वारा नरक की रचना शुरू हो जाती है। जब मनुष्य के मन में उदारता आती है, त्याग आता है, किसी भाई ने थोड़ा ले लिया, ज्यादा ले लिया, उसने थोड़ा धन ले लिया ज्यादा, तुम्हारे मन में संतोष आ गया, वहां स्वर्ग बन जाता है। जिसका मन चिंता मुक्त है, जिसका मन प्रेम से भरा हुआ है और जिसका हृदय संतोष में डूबा हुआ है, जो आलस छल कपट से दूर रहता है, जो हमेशा गम खाने के लिए तैयार रहता है, जिसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं पैदा होता है, जो दूसरों की निंदा और प्रपंच में अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाता है, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा धर्म और पवित्र कर्म में डूबा रहता है, वो जहां रहता है वहीं पर स्वर्ग बनता चला जाता है, स्वर्ग बनता चला जाता है। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म का फल पाने में परतंत्र हो। एक विद्यार्थी पढ़ाई करने में, पढ़ाई न करने में स्वतंत्र है, इच्छा हो पढ़ो, इच्छा हो मत पढ़ो, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो इसका फल अलग है और पढ़ोगे तो इसका फल अलग है। गम खाने में भी तुम स्वतंत्र हो, इच्छा है गम खाओ, इच्छा है मत खाओ, लेकिन गम खाने का फल शांति है, गम न खाने का फल बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। जीवन में स्वतंत्रता मिली है, पर याद रखना, अंकुश हीन हाथी, अनुशासन हीन मनुष्य दोनों उजाड़ और बिगाड़ करते हैं। स्वतंत्रता खतरनाक भी होती है। जिमे स्वतंत्र हुई बिगड़ ही नारी, स्त्रियां स्वतंत्र हो जाएं तो वेश्या बन जाती है, पुरुष स्वतंत्र हो जाए तो फिर क्या करता है, जो नहीं करना चाहिए वो सब कुछ करता है, कुकर्म, दुष्कर्म, व्यभिचार कर्म, मांस मदिरा, सारी बुराइयों में डूब जाता है। मनुष्य ने जितनी गाड़ियां बनाई हैं, सभी गाड़ियों में ब्रेक है, छोटी सी साइकिल है उसमें भी ब्रेक है। साइकिल बहुत तेज नहीं भागती, जितना तुम पांव घुमाओगे उतना भागेगी, लेकिन फिर भी ब्रेक है। क्यों? क्योंकि साइकिल धीरे भी चलेगी तो भी लड़ सकती है। कितने लोग पैदल भी लड़ जाते हैं, सामने से कोई पैदल आ रहा, खुद पैदल जा रहे हैं, पैदल पैदल टकरा जाते हैं। ब्रेक का कितना महत्व। फिर गाड़ियों में पावर ब्रेक, हैंड ब्रेक, सुपर ब्रेक, साधारण ब्रेक, सब तरह के ब्रेक लगे हैं। जिस गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, एक्सीडेंट हो जाता है। मनुष्य के मन के ऊपर भी ब्रेक होना चाहिए, सेल्फ ब्रेक होना चाहिए, स्वयं आप ब्रेक लगाना सीखें। कितने लोगों ने अपनी जिंदगी की गाड़ी से ब्रेक निकाल कर अलग रख दिया है, उनका ब्रेक लगता ही नहीं।
शराब की दुकान देखते हैं तो उधर मुड़ जाते हैं, भांग की दुकान देखते वहीं खड़े होकर आधा किलो भांग खा लेते हैं। जहां जाते हैं, हरिद्वार गए तो हरिद्वारी दास बन गए, मथुरा गए तो मथुरा दास बन गए, काशी गए तो काशी दास बनकर लौटे। उनका कोई स्वयं का अस्तित्व और व्यक्तित्व नहीं है। मन के ऊपर ब्रेक रखो, इंद्रियों के ऊपर भी ब्रेक रखो। मन में बहुत प्रकार के विचार उठते हैं, ध्यान रखना। कभी काम वासना तूफान की तरह अंदर उमड़ती है, यदि ब्रेक नहीं है, ये काम वासना तुमको कहां कहां ले जाकर गिरा सकती है। याद रखना, सुपर्णखा के मन में जब काम वासना का तूफान उठता है तो लंका से समुद्र पार करके इंडिया आकर के भगवान श्री राम के पास में अपना प्रस्ताव रखती है कि हमारी तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगेगी। और ये काम वासना मनुष्य को अंधा कर देती है, दिखता नहीं है भगवान है कि गुरु है, कौन है। इसलिए कृपया भगवान को भी सावधान रहना चाहिए, गुरुओं को भी सावधान रहना चाहिए, नहीं गुरु भी निपट जाएंगे। ये वासना बड़ी विकट होती है, और जितनी ज्यादा तुम उपासना करोगे उतना तुम्हारी वासना कम होती चली जाएगी। भक्ति की शक्ति से ही वासना के विष को उतारा जा सकता है। कभी कभी मनुष्य के मन में क्रोध बहुत जोर से उठता है, कभी कभी तुम्हारे मन में तुम्हारी पत्नी के ऊपर तुमको क्रोध आता है कि आज इसको कूटूंगा जरूर। ये पत्नी कोई धान है जो कूटूंगा? देखिए, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां गलतियां तो होती हैं लेकिन क्षमा बहुत करना पड़ता है। पारिवारिक जीवन में क्षमा का बड़ा महत्व है। आपके पति से भी गलती हो सकती है, उसको भी क्षमा करके ही निभाना चाहिए। कितने लोगों को क्रोध इतना आता है कि दांत पीसते रहते हैं। कितने लोग क्रोध में, अब धान कूटने को तो बचा नहीं, पालेसर मशीन कूट देती है। तो कितनी स्त्रियों को क्रोध आता है तो छोटे छोटे बच्चों को बहुत कूट देती है, बच्चे तड़फड़ा जाते हैं। कई महिलाओं को देखा कि बच्चों को बुरी तरह से मारती है, ऐसा लगता है कोई जन्म की दुश्मनी निकाल रही है। बच्चा छोटा है, अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, बच्चे को बहुत लाड़ प्यार से ही रखना चाहिए। चाणक्य ने कहा है, लाड़ यत पंच वर्षाणि, 5 वर्ष तक बालक को लाड़ प्यार से रखिए।